विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा कि भाई हमको एक रोटी से पेट नहीं भरता तो हम दो तीन रोटी की मांग करेंगे। सड़क बनावे के, पुल पुलिया बनावे के, चापा कल धसावे के, घर बनावे के, इस सब के विभाग हमने के नहीं है का। बिहार में महागठबंधन का साथ छोड़ एनडीए में शामिल हुए नीतीश कुमार को फ्लोर टेस्ट से पहले ही असंतोषों का सामना करना पड़ रहा है। मंत्रियों के विभाग वो बंटवारे हुए, बंटवारे को लेकर पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। पूर्व सीएम जीतनराम मांझी के बेटे संतोष सुमन को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग दिया गया है, इसको लेकर जीतनराम मांझी ने सवाल उठाए हैं। दरअसल जीतनराम मांझी मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले दो मंत्री पद मांग रहे थे, फिलहाल एक मंत्री पद मिला वो भी उनके बेटे को, लेकिन वो चाहते हैं कि एक और मंत्री पद उनके पार्टी को मिले। इसे लेकर उन्होंने इशारों में बीजेपी और जेडीयू तक अपनी बात पहुंचा दी है। कह रहे हैं कि एक रोटी से काम नहीं चलेगा। ये कोई मीडिया में कहने की बात नहीं है, ये घर की बात है। घर में पहले ही मैंने कहा कि भाई हमको एक रोटी से पेट नहीं भरता तो हम दो तीन रोटी की मांग करेंगे। हम वही अपने नेता से मांग कर रहे हैं कि भाई आप हमको कम से कम दो रोटी दीजिए। और फिर विभाग में भी हमने यही कहा है कि एक परंपरागत विभाग आप हमको दे रहे हैं, हम देहात में रहने वाले हैं, काम करने वाले हैं गरीबों के बीच में, तो हम मकान बनाना भी जानते हैं, हम पानी पिलाने के लिए चापाकल गाड़ना भी जानते हैं, हम रोड बनाना भी जानते हैं, हम पुल भी बनाना जानते हैं। ये सारे विभाग ऐसे हैं जो गरीब से संबंधित है और हम गरीब की राजनीति करते हैं, तो इसलिए हम अपने नेता के सामने एक मांग रखी है और ये देना न देना उन पर है। लेकिन ये भी सोच लीजिए कि न भी देंगे तो कोई इसके लिए हम अप्रिय बात किसी से नहीं कहेंगे और न घटने देंगे। क्या कोई खास विभाग सर, जैसे शिक्षा स्वास्थ्य? हम जो कह दिया, हम तो फरियाद कह दिया कि भाई ये सब विभाग अगर मिले तो देहात में ग्रामीण क्षेत्रों में हम कुछ काम कर सकते हैं, ऐसा विभाग अगर मिले तो अच्छा रहेगा। आपको बता दें इससे पहले जीतनराम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन जब महागठबंधन की सरकार में मंत्री थे तब भी उन्हें SC/ST कल्याण मंत्रालय ही दिया गया था। इसके पहले जब जीतनराम मांझी बिहार सरकार में मंत्री थे तब उनके पास भी इसी विभाग की जिम्मेदारी थी। 5 फरवरी को मांझी ने सार्वजनिक मंच से मंत्रालय बंटवारे को लेकर संतुष्टि जाहिर की। मांझी ने खुले मन से कहा कि मैं मंत्री था तब भी यही विभाग मिला था, अब हमारे बेटे मंत्री हैं तब भी यही विभाग मिला था, तो बेटे मंत्री हैं और उसको लेकर के जो आगे उन्होंने कहा सुनिए। हमरो कभी काल लगा कि का जीतन मांझी जो संतोष मांझी के बेटे बाप हलाई ओकरो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग और वो मंत्री बनले तो ओकरो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का हमारी के खाली यही विभाग है। सड़क बनावे के, पुल पुलिया बनावे के, चापाकल धसावे के, घर बनावे के, इस सब के विभाग हमारी के नहीं है का। ये लगनी दुख है हमरो और ज्योति जी दुख व्यक्त कलथिन तो हम जरूर सहमत हुए। 28 जनवरी को नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए। बिहार की नई सरकार में नीतीश कुमार के साथ बीजेपी की ओर से सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम बनाए गए। तो आप जानते हैं 5 अन्य मंत्रियों ने शपथ ली थी, जिसके बाद 3 फरवरी को मंत्रियों के विभाग का बंटवारा किया गया। अब यही बंटवारा बिहार के एनडीए सरकार में नाराजगी की खबर बन रही है। बिहार में अभी एनडीए में गठबंधन के पास 128 विधायक हैं तो विपक्षी गठबंधन के खेमे में 114 विधायक हैं। ऐसे में फ्लोर टेस्ट से पहले खुले मंच से जीतनराम मांझी का असंतोष जाहिर करना नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा सकता है। 12 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले जीतनराम मांझी पर विद्वान, खास करके बिहार की राजनीति को समझने वाले विद्वान नजर बनाए हुए हैं। 4 विधायक उनके पास हैं और बताते हैं कि 7 की संख्या से खेल कुछ भी संभव है। राजनीति है, त्योरियाँ चढ़ी हैं और तेवर भी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। मेरा नाम अभिनव पांडे है, आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अभय ने, शुक्रिया।